जैसे अभी कुछ दिन पहले बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर सांसद की मौजूदगी में जो बीजेपी के नए अध्यक्ष हैं मनोज मांझी जी, उन्होंने नियम कायदों का जब वो पाठ पढ़ा रहे थे रेल अधिकारी, तो उनसे बहसबाजी की, वो मीडिया में भी आया, सोशल मीडिया में भी आया, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भाजपा के जो लोग हैं वो अपने आप को कानून से ऊपर समझने लग गए हैं। ये सत्ता के नशे में पूरी तरीके से चूर हो चुके हैं, मदमस्त हो रखे हैं। ये किसी को कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। उसी की झलक जो है, ये आप उस समय के लिए उसकी झलक देख के रूप में देख सकते हैं कि उसका जो प्रोटोकॉल होता है कार्यक्रम का, पूरा पूर्ण पहले से प्रोटोकॉल तय था कितने लोग जाएंगे, किस तरीके से क्या कार्यक्रम करेंगे, उस प्रोटोकॉल को भी पालन नहीं करा गया। प्लेटफॉर्म टिकट किसी ने भी, एक भी व्यक्ति ने प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लिया। जब ये खुद अपने आप के नियम तोड़ रहे हैं और दूसरों के ऊपर ज़बरदस्ती की दादागिरी करके नियम तोड़ रहे हैं। हमने रेलवे प्रशासन से मांग की है, और एक बार फिर मैं आपके माध्यम से भी रेलवे प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ऐसा भी मतलब ऐसी भी बात आ रही कि ये जो जिलाध्यक्ष सांसद के कार्यालय कार्यक्रमों में ही ऐसा करते हैं, इसको किस रूप में लेते हैं? अब ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है और ये भाजपा का अंदरूनी मामला है। इस मामले में तो भाजपा की खुद की जो गुटबाजियाँ है, जो वो कांग्रेस के ऊपर हमेशा आरोप लगाते आ रही है कि गुटबाजी गुटबाजी, ये गुटबाजी का नमूना है और ये उनका खुद का मामला है। इसलिए अब इस मामले में मेरा ज़्यादा बोलना ठीक नहीं रहेगा, वो अपने हिसाब से ही इस मामले को देखे। कार्रवाई के लिए किसी को पत्र वत्र लिखा आपने? रेलवे प्रशासन को हमने पत्र लिखा कार्रवाई के लिए। आपको मतलब गुस्सा आ गया था या आप नाराज़ हो गए थे? नहीं, मैं गुस्सा नहीं हुआ था, मैं नाराज़ हुआ था। नाराज़ और गुस्से में अंतर है। एक तो उस दिन जयपुर हैदराबाद ट्रेन का स्टॉपेज बुरहानपुर हुआ हमारे लोकप्रिय सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी के प्रयासों से। रेल मंत्री जी ने बुरहानपुर का स्टॉपेज दिया तो हमारे सांसद जी उस ट्रेन के हरी झंडी देने के लिए हम लोग सब लोग वहाँ इकट्ठे हुए, और पार्टी के सारे हमारे पदाधिकारी, सारे जनप्रतिनिधि, सारे नेता और कार्यकर्ता, लगभग हम 200-300 के करीब कार्यकर्ताओं ने उनको और सांसद जी के नेतृत्व में उस ट्रेन को हरी झंडी दी। अब इतने सारे कार्यकर्ता थे, हम लोग सांसद जी के साथ में वापस जाने लगे। फिर जो VIP रेस्ट हाउस है उसके अंदर सांसद जी, मैं, माननीय महापौर जी, हम लोग अंदर गए, हमारे साथ पीछे पीछे सारे कार्यकर्ता भी आ गए। स्वाभाविक प्रक्रिया है, कोई नेता रहता है तो उनके साथ में कार्यकर्ताओं का साथ कार्यकर्ता भी पीछे पीछे आते हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता उस कमरे के अंदर इंटर हुए। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, बुरहानपुर के इतिहास में कोई पहली घटना नहीं है ये, ऐसा हमेशा होता है। तो उस समय इन्होंने स्टेशन मास्टर और उनके साथ में जो और भी कर्मचारी थे, उन्होंने कार्यकर्ताओं को बड़े बदतमीजी से, अरे अंदर मत आओ ऐसा करके अपमानित शब्दों में, एक गुस्सा उनके तरफ से हुआ था और उनको रोकने का प्रयास किया। बेचारे हमारे कार्यकर्ता सीधे साधे वो रुक गए। जो अंदर आ गए थे ठीक था, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अंदर आने वालों को भी वो बाहर करने लगे, चलो चलो बाहर निकलो, एक लहजा गलत था। मैं उस पर भी कुछ नहीं बोला, लेकिन एक हमारे कार्यकर्ता है जिन्होंने पूरा जीवन पार्टी में खपा दिया, श्रमिक है, घर गरीब मजदूर गरीब वर्ग से व्यक्ति है, और वो उसने पूरा समय पार्टी को दिया और पार्टी से कोई अपेक्षा नहीं की, समर्पित व्यक्ति और बहुत वरिष्ठ, तो उनके कंधे को ऐसा पकड़ के और उनको बाहर निकालने लगे, तब फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मैंने कहा कि भाई आप जो जिस तरह से आपका आचरण है, व्यवहार है, वो ठीक नहीं है, ये आप तो आचरण सुधारो। और रही बात, अब स्वाभाविक है, सामान्य दिन नहीं है ये, असामान्य दिन हुआ ना वो, भाई सामान्य दिन में आपका जो प्रोटोकॉल होता होगा वो होता होगा, लेकिन जब ट्रेन के स्टॉपेज के लिए सांसद जी हरी झंडी दे रहे हैं तो वो अकेले तो हरी झंडी देने आएंगे नहीं, स्वाभाविक है उनके साथ में 200-300 कार्यकर्ता आप जनप्रतिनिधि रहेंगे, तो वो जनप्रतिनिधि रह गया, और आप जनप्रतिनिधि को यदि VIP कक्ष में बुला रहे हो तो उनके साथ में नेता लग भी आएंगे, कार्यकर्ता भी आएंगे, तो ऐसे असामान्य दिनों में आपका फर्ज बनता है कि आप उस कक्ष में कुछ कुर्सियां बढ़ा लें। ये कोई गलत गलत बात नहीं कही मैंने, मैंने ना तो गाली दी, ना अभद्रता की, और ना दुष्ट दुराचरण किया। मैंने असामान्य दिनों में जिस प्रकार से आचरण इनका होना चाहिए वो चीज़ें बताई,
और चूंकि वो शासन की प्रॉपर्टी है, उसमें यदि कार्यकर्ता आया तो आप उसको, यदि प्रोटोकॉल, आम आदमी को क्या मालूम प्रोटोकॉल क्या होता है और क्या नहीं होता, वो तो सामान्य गरीब व्यक्ति, पढ़ा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, आप उनको इज्जत से, लोक व्यवहार कहता है, सदाचार से, व्यवशिष्टाचार से उनको ठीक से समझा के बाहर कर दे। आप यदि कंधे पे हाथ रख के और पकड़ के बाहर निकालोगे तो ये तो गलती है ये जी। और उस गलती को दिखाना और उसको सुधारने के बारे में कहना, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलत चीज़ कही। आपकी जो कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं रिंकू नाथ जी, आपका वीडियो सब सामने है, अब उसको मतलब मुद्दा बना रहे हैं उनका, उन्होंने रेलवे प्रशासन से मांग की कि आपने सत्ता के नशे में चूर होकर ये उनके साथ बस सलूकी की, और अब रेलवे प्रशासन से वो आपके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। आपके कार्यकर्ता जो बिना टिकट बिना प्लेटफॉर्म के गए थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। देखिए, मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता हूँ, किसी भी प्रकार का, और सत्ता का नशा भी मेरे ऊपर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बहुत ही सामान्य परिवार से हूँ और जीवन के बहुत थपेड़े मैंने देखे, और मैं इसलिए मुझ पर सत्ता का नशा और सत्ते के नशे में चूर ऐसा कोई शब्द मेरे ऊपर लागू नहीं होता। मेरा आचरण लोग जानते हैं, मेरा व्यवहार जानते हैं, मेरी विनम्रता भी जानते हैं, लेकिन जहाँ भी गलत होता है तो मेरी शक्ति भी जानते हैं, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी इमेज क्या बन रही है। मैं तो हमेशा जीवन में सच को सच और झूठ को झूठ बताते रहूँगा, ये मेरा फर्ज है। इसमें मेरी इमेज क्या बनती, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, कौन मेरे बारे में क्या बोलता है मुझे इससे भी कोई दिक्कत नहीं, और मैंने कोई गैरकानूनी बात कही भी नहीं और गैरकानूनी या आचरण किया नहीं है, इसलिए मेरे ऊपर कोई कार्रवाई करने वाला कोई विषय बनता भी नहीं है। और इसके ऊपर भी यदि जिसकी जो इच्छा होंगी करें, मैं सामना करूँगा।